हेलो एवरीवन, आपका सुपर मेगामाइंड कंप्यूटर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको यहाँ पर एक्सेल की वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं डेली। तो देखिए, मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करता है एमएस एक्सेल, और उसको अगर मेड वीडियो क्लिक करने को मिलती है और वो उसको ओपन करके देखता है, तो उसकी पूरी बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मतलब नहीं है कि जो अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसका मतलब है यहाँ पर कि जो हमारे बच्चे या स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं वो इसके माध्यम से पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर के पास पूछने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, तो उससे आप लोग कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है, टीचर ने दो बार बताया, तीन बार बताया, पांच बार बताया, दस बार बताया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका वहाँ पर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्लास नहीं जा पा रहे हो रेगुलर, या आप जैसे मान लीजिए काम धाम चल रहा है इस टाइम पर, तो हम रोज़ाना क्लास भी नहीं जा पाते, किसानों के बच्चे तो सब लोग वहाँ खेती में लग जाते हैं, क्लास गैप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अब पूछने में फिर डरते हैं कि सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो ये वीडियो इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इसको एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, दस बार देखिए, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगता है। इंटरनेट तो वैसे भी आप लोग जो खामखा की चीज़ देखने में फूंक देते हो, तो उसको यहाँ पर लगाइए, उसको वैल्यूएबल करिए, वीडियो देखने में, पढ़ाई में, स्टडी में लगाइए उसको। तो देखिए, अब ये सारी बात काम की है, ये दैट इज फैक्टेबल चीज़ है। यहाँ पर आपको मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कल आपको बताया था नंबर, आज बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वीडियो ख़त्म करने वाले नहीं हैं हम, जल्दी वीडियो ख़त्म नहीं करनी है आपकी। 8-10 मिनट मुझे चाहिए, पक्का चाहिए, 8-10 मिनट मैं ज़रूर लूँगा आपकी, और ये पूरा समझा के छोड़ूंगा शुरू से एंड तक। क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग? बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाने का कोई टारगेट अपना, मतलब पूरा जल्दी ख़त्म करने का कोई हिसाब किताब नहीं है, समझाना है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी समझ में आएगी तो वो जब समझ में आएगी जब तुम उससे पहले उसका प्रारूप समझ जाओगे, उसकी थीम समझ जाओगे। तो देखिए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कंडीशन के अनुसार किसी चीज़ को फॉर्मेट करना, ढांचा बदलना, रंग रूप उसको नया देना। काय के अनुसार? कंडीशन के अनुसार, कंडीशन शर्त के अनुसार, कंडीशनल सेंटेंस है शर्त सूचक वाक्य। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे, उसके अनुसार इसका जो हमारा डाटा है उसका फॉर्मेट यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो इसमें हम लोग पहली कमांड देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो देखिए, सबसे पहली यहाँ पर चीज़ आ रही है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन माने आपको पता है बड़ा होता है, से बड़ा। तो मैं यहाँ पर ये एक डाटा यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको क्लिक। अब मैंने यहाँ पर ले रखा है मान लीजिए कि ये 20,000, चलो 20,000 मैं 25,000 कर देता हूँ, 25,000। अब इसमें क्या कंडीशन लग रही है कि जो भी व्यक्ति का यहाँ सैलरी 25,000 से ऊपर हो वह लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, डार्क रेड टेक्स्ट, टेक्स्ट रेड हो डार्क में और बैकग्राउंड भी रेड हो, वो येलो होना चाहिए, इसके बाद में यहाँ ग्रीन होना चाहिए, इसके बाद में यहाँ रेड फिल होना चाहिए, इसके बाद में यहाँ रेड टेक्स्ट होना चाहिए, इसके बाद में यहाँ रेड बॉर्डर होना चाहिए, इसके बाद में यहाँ कस्टम फॉर्मेट आप लोग कुछ भी कर लो, और यहाँ पर आपको बोल्ड करना है इसको, बॉर्डर को कोई फिल करना है, इसके पास में लगाना है, फॉन्ट की स्टाइल कोई और दूसरी देनी है, नंबर मतलब फिल आपको कलर कौन सा करना है, पीला वाला करना है, यस करो, ओके कर दो, ये तुम्हारी कंडीशन फॉलो हो गई। बात समझ में आई? आई ना समझ में?
ये सारे यहाँ पे फॉर्मेट के एक डिज़ाइन है और वो आपको यहाँ से फिल कर देने हैं। ठीक, अब हम इसको बाहर निकल जाएं कैंसिल करके। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर जाते हैं आगे। आगे यहाँ पर है लेस देन। लेस देन का मतलब से कम। मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पर जिस आदमी की सैलरी 20,000 से कम है वो रेड हो जाए। तो देखिए जो जो 20,000 से कम थे वो रेड हो गए। ओके, अभी इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जाते हैं यहाँ पर बिटवीन। बिटवीन माने होता है बीच में। बीच में जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पर ना, यहाँ पर 25,000 से लेके, और किसी के पास अगर वो सैलरी उसकी 30,000 तक है, 30,000 तक, तो वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया जिसकी 25,000 से 30,000 तक की बीच में सैलरी थी। मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। देखिए अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना है, और बड़ा कर दूँ, थोड़ा और बड़ा कर दूँ। चलिए ये देखिए मैंने और बड़ा कर दिया यहाँ पर दिखने के लिए आपके लिए हैं, अब अच्छी तरह से दिखाई देगा। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, बराबर, बराबर। देखिए यहाँ पर इक्वल टू, अब 20,000 डाला है, अगर 20,000 के कोई बराबर होगा तो यहाँ हाईलाइट होके आ जाएगा। ओके, इसके बाद में देखिए यहाँ पर दैट टेक्स्ट कंटेंट, जैसे मैं इसको सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है दैट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट मैंने नेम डाला तो देखो नेम हाईलाइट हो गया ना। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मंगू। अब मंगू, तो देखिए मंगू यहाँ पर हाईलाइट हो गया ना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। टेक्स्ट माने अच्छा लिखाई। चलिए अब डेट ऑक्यूरिंग, तो डेट ऑक्यूरिंग का मतलब होता है इसमें जहाँ पर डेट का डाटा हो वो वहाँ पर शो हो जाए। तो डेट अभी तो आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पर डेट। देखिए डेट, अब डेट में यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग कब की डेट, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, और दिस मंथ, दिस मंथ। तो इस मंथ की 4/4/2022 डेट वो इस मंथ की है। ओके, समझ में आई बात, आई ना, बोलो यस, फिर कमेंट करो यस। चलिए अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू, अगर मैंने जो सेलेक्ट किया उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो हाँ ये डुप्लीकेट वैल्यू ए ए ए ये सब डुप्लीकेट है ना, तो हाईलाइट हो गई। अभी देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ से हमारा जो हाईलाइट सेल रूल है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में यहाँ से ऐसे देखिए यहाँ पर 10% ऊपर वाला, यहाँ 10 आइटम आ जाएंगे जो आपने यहाँ पर देखो सेलेक्ट करें ऐसे करके, ये सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपने इसको ऐसे करके यहाँ से 10 आइटम लिए, तो देखो ये 10 आइटम जो टॉप 10 थे वो आ गए। समझ रहे हैं ना, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना मुझे। अभी यहाँ टॉप 10% वाले, टॉप 10%। इसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी तरीके से बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। एवरेज समझते हो ना, एवरेज, जैसे 6 बच्चे आते हैं बैच में पढ़ने के लिए और एक में कौन सा आ रहा है, एक में 3 बच्चे आ रहे हैं तो 9 हो गए, तो 2 बैच आ गए तो 2 का भाग दे देंगे तो एवरेज निकलता है ना। ऐसे कुल संख्याओं का जोड़ और फिर कुल संख्या कितनी है उसका भाग दे देते हैं, तो ऐसे करके एवरेज निकलता है। तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा। यहाँ से मैं ग्राफ वाइज देख सकता हूँ, देखिए जिसका ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू है उतना ही उसका ग्राफ बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। यहाँ से मैं कलर कॉम्बिनेशन से देख सकता हूँ, देखिए कलर कॉम्बिनेशन कैसा है कि आप लोग जो ज़्यादा वैल्यू है वो रेड है, वो कम है वो थोड़ी सी कम आसमानी है, और जो सबसे कम है वो ज़्यादा ज़्यादा ही ब्लू है, हैं। तो इसके बाद में यहाँ से हम लोग आइकन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ज़्यादा वैल्यू है तो ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वो फुल एकदम डार्क भरा हुआ है। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया कि न्यू रूल भी बना सकते हैं, तो मैंने आपको वो अपना पहले वाला वहाँ पर नया रूल बना के दिखा दिया था। आप यहाँ पे और बना सकते हैं, कलर ले सकते हैं यहाँ से, और ये आप यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू के लिए लेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू के लिए लेंगे,
तो आप नंबर वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग कलर ले लेंगे हाइस्ट के लिए, ये ले लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे अपना ही देखो ये कलर बनते जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ पे में जो कलर आ रहे थे अभी, दो तीन कलर आ रहे थे, चार, तो ऐसे ही वो कलर यहाँ से आते हैं बना के। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बना पाते हैं। देखिए मैंने बना दिया, देख कई कलर आ गए ना, एक दो तीन चार ऐसे कलर आ गए। तो इस तरीके से हमारा स्टाइल में आज ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक मिनट और लूँगा जिसके मैं आपको आज पूरा ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, हैं, क्योंकि फिर दूसरी वीडियो में ये बचेगा, यहाँ स्टाइल में पूरी कर देता हूँ आज। चलिए चलिए यहाँ से एक बार हम लोग अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड दबा के कर लेते हैं अंडू, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसकी मैं एक डिज़ाइन दे सकता हूँ, इसको यहाँ से फॉर्मेट में जाके कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इसको एक बढ़िया सी बिंदास यहाँ से डिज़ाइन देते हैं टेबल को। अभी यहाँ से मेरे को कोई चीज़ हाईलाइट करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से उस सेल को यहाँ से ये यहाँ पर देखिए एसेंट और ये इनपुट नेचुरल गुड न्यूट्रल सॉरी, और यहाँ पर बैड ऐसे नॉर्मल ऐसे करके हम लोग कोई भी यहाँ पर ये इसका दे सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए ये मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ से ये दे दिया। तो बताइए अब आपकी समझ में स्टाइल आया नहीं आया, एक बार वीडियो दोबारा देख लो और नहीं आया तो एक बार मेरे को कमेंट करके पूछ लो। चलिए मैं आपसे फिर अगली वीडियो मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।